किंगफिशर है। अच्छा, इसे सुरमई बोलते हैं। तो गाइस, मैं हूँ अभी गली में और ये हमारे चीफ कुक बिरयानी है और रायता है, उसके साथ पापड़ फ्राई है। यहाँ पर देखिए पूरा मसाला वगैरह है, जितना अच्छे से यूज होता है पूरा मसाला है। मीट रूम है, फिश रूम है और वेजिटेबल रूम है। और इधर हाई हो गया था इसलिए फिश रूम में से शिफ्ट कर। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सियाज और आप देख रहे हैं सीरियस मॉर्निंग। गाइस, आज का ब्लॉग होगा गैली में। गाइस, मैं बताऊंगा कि ये चीफ कुक हमारे खाना कैसे बनाते हैं और स्टोर्स वगैरह भी दिखूंगा आपको। तो स्टोर में खाना कैसे आता है, कहाँ कहाँ से क्या कब कब प्रोविजन बनाते हैं हम लोग। गाइस, पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा इसी पे। तो गाइस, आगे का वीडियो देखते रहिए। चलिए, मैं लेके चलता हूँ। तो गाइस, मैं हूँ अभी गली में और ये हमारे चीफ कुक बना रहे हैं कुछ खाना। तो चीफ कुक साहब, क्या बन रहा है आज? आज बिरयानी। तो गाइस, आज संडे है। संडे है, लंच में बिरयानी है और रायता है, उसके साथ पापड़ फ्राई है। बिरयानी की तैयारी हो रही है। ये है राइस जो बॉईल करके रखे हुए, ये मसाला वगैरह पूरा रेडी करके रखे हुए। ये देखिए चिकन वगैरह रेडी है, अभी बिरयानी की पूरी तैयारी हो रही है। आज ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। और ये वेज वालों के लिए है। वेज वालों के लिए क्या है चीफ साहब? वेज बिरयानी है। अच्छा, वेज बिरयानी है। चिकन ये है नगेट्स। आज ब्रेकफास्ट में नगेट्स था और जूस वगैरह था और ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह। जो लास्ट में मैं थोड़ा लास्ट लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, ये है हमारा गैली। इसके बाद में आपको लेके चलूंगा स्टोर में। गाइस, ये देखिए, ये है हॉट प्लेट खाना। अगर आपको डाउट रहेगा कि खाना किस पे बनाते हैं, तो गाइस ये है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट पे ही खाना बनता है, इलेक्ट्रिक रहता है पूरा। ये है हमारा हॉट प्लेट। और ये मशीन है। ये क्या है चीफ साहब? आलू छिलने वाला मशीन। अच्छा, और आलू छिलने के लिए मशीन है ये। आटा गूंदने वाला है। अच्छा, इसमें आधा आटा गूंदे। ओके, तो गाइस ये आटा गूंदने के लिए है, हाथ से नहीं गूंदा जाता है, मशीन है। उसके बाद में आलू छिलने के लिए भी मशीन लगा हुआ है और फ्राई करने के लिए इधर है सामान। फ्राई वगैरह करते हैं इसमें, डीप फ्राई होता है, डीप फ्राई करने के लिए। तो गाइस, ये है हमारा गैली। यहाँ पर हमारे चीफ साहब खाना बनाते हैं, बाकी हम स्टोर में चलेंगे। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको स्टोर में। गाइस, ये ड्राई प्रोविजन स्टोर है। यहाँ पर जितना भी ड्राई आइटम रहता है वो यहाँ पर रहता है। और ये पूरे मसाले वगैरह रखे हुए यहाँ पर देखिए पूरा मसाला वगैरह है, जितना अच्छे से यूज होता है पूरा मसाला है। और ये सब में क्या है चीफ साहब? ऊपर कार्टन में सब मसाला ही है, ये सब मसाला है। सब मसाला वगैरह रखा हुआ है, मसाला है। और इसमें ये भी मसाला ही है, सब मसाला है। ओके, ये तीन आइटम है सब। ओके, अच्छा, ये स्वीट है। इसको किस चीज में यूज करते हो आप? ब्रेकफास्ट में आता है। ओके, ये सॉसेज सॉस है सर। ये क्या है? ये हनी है, जैम सॉस। ये सॉस वगैरह सॉस है, पिकल है। प्रोविजन खत्म हो गया है, मतलब कम हो गया है। कब प्रोविजन आ रहा है अब? अभी हाजीरिया में प्रोविजन आएगा। हाजीरिया में एक्सपोर्ट पे प्रोविजन आ रहा है। एक्सपोर्ट ये दाल वगैरह है। हाँ। मूंगफली वगैरह है, मूंगफली दाल सब। ये कंडेंस मिल्क है? कंडेंस मिल्क नहीं, कोकोनट मिल्क है। अच्छा अच्छा, कोकोनट मिल्क सब है। तीन आइटम है। अच्छा, सब पोहा वगैरह ये सब। ये सेवैया है? हाँ, सेवैया है, पोहा सेवैया है, वाइटल। ये क्या है? शुगर, शुगर कस्टर्ड। ये कस्टर्ड है पूरा। तो टैंग है, पास्ता। और यहाँ पर दाल वाली आइटम जितने भी है, हाँ, तो इसमें खराब नहीं होता चीफ साहब? नहीं, खराब नहीं होता। ये राइस है, आटा, ये सब सीरियल है, चोकोस, इसमें सब
मूसली है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह सब रखा हुआ है। और ये क्या रखा हुआ है? गुलाब जामुन का डब्बा, गुलाब जामुन वगैरह। अच्छा, स्वीट्स के लिए है ये, ठीक है। चीफ साहब, दूध है, ये पूरा मिल्क है, पूरा मिल्क है, जूस वगैरह है। अच्छा, जूस फ्रिज में क्यों नहीं रखते चीफ साहब? अभी तो इधर रहते, जो उतना स्पेस नहीं है। अच्छा अच्छा, रखने का। हाँ। इसीलिए यहाँ पर रखे, जब देने के टाइम पे ठंडा करके देते, टाइम में ठंडा करके रखते हैं। ओके, और ये पैनल किस चीज का है? ये पैनल है टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, प्रोविजन। हाँ, मीट रूम है, फिश रूम है और वेजिटेबल रूम है, इसमें सब दिखाता है टेम्परेचर कितना कितना क्या रहता है। ओके, और मीट रूम और फिश रूम में टेम्परेचर -16 to -18 रहना चाहिए, और वेजिटेबल में 4 to 6 रहना चाहिए मिनिमम। मिनिमम, ओके, ये है। अच्छा, तो यहाँ पर तीन स्टोर है, फिश रूम है, मीट रूम है, उसके बाद वेजिटेबल रूम है। अच्छा, और ये स्विचेस वगैरह है बंद करने के लिए, बंद करने के लिए सब है। तो बंद करने का कब काम आता है? वो इंजीनियर लग करता है। तो अभी कौन से रूम में लेके चलेंगे? अभी मीट रूम। अच्छा ठीक है, ये मीट रूम है। अभी इधर मीट नहीं है। हाँ। हम लोग शिफ्टिंग कर दिया था। अच्छा, तो इधर पूरा गड़बड़ हो गया था, इसलिए मतलब टेम्परेचर हाई हो गया था, इसलिए फिश रूम में से शिफ्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा, बाद में हम लोग टेम्परेचर हाई हो गया था इसका। हाँ, इसका हाई हो गया था। हाँ हाँ, थोड़ा इंजीनियर लोग बोला था उधर शिफ्टिंग करने के लिए। हाँ हाँ। हम लोग अभी, लेकिन इधर ही मीट इधर ही रहता है। अच्छा अच्छा, मीट इधर ही रहता है, मीट रूम है। और ये सब मीट आइटम है सब। अच्छा, जितना आइटम है, सॉसेज, नगेट्स, फ्रोजन ही आइटम है सब। वेजिटेबल जो है सब वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल भी इसी में रखा है, फ्रोजन वेजिटेबल है, इतना आइटम है सब, फ्रोजन आइटम है। ओके, आइसक्रीम है, आइसक्रीम हो रहा है, ब्रेड वगैरह सब है, ब्रेड है, ये पानी मार के हम लोग साफ करते हैं। अच्छा, इसको क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के लिए पानी मारना पड़ता है, गर्म पानी मारता है। अभी ये फिश रूम हो, अभी हम इसमें जाएंगे फिश रूम में। इसका भी टेम्परेचर -16 to -18 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। ओके ओके, इसमें चिकन भी रखा हुआ है? चिकन रखा हुआ, वो बोला था। हाँ हाँ, उसी प्रॉब्लम हुआ था, इसी प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए फिश भी रखा है। हाँ। लेकिन एक्चुअली फिश भी रहता है इसमें, फिश रूम में फिश ही रहता है। अच्छा अच्छा, तो फिश दिखाएंगे? फिश है, रोहू है, रोहू। हाँ हाँ, ये किंग फिश है, सुरमई है। अच्छा, इसे सुरमई बोलते हैं। हाँ, किंग फिश। ठीक, ये सब प्रॉन्स है, प्रॉन्स। ओके, अभी वेजिटेबल रूम में जाएंगे। वेज फ्रूट सब रहते हैं, एग्स भी रहता है। अभी सब इसका टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री तक रहता है। चार से छह डिग्री टेम्परेचर में वेजिटेबल अच्छा रहता है, उससे कम हो जाएगा थोड़ा खराब होने का चांसेस रहता है, बढ़ भी जाएगा भी खराब होने का चांसेस रहता है। फ्रूट वगैरह ये सब है, फ्रूट भी रहता है, एग्स, आलू वगैरह, प्याज, आलू। ये क्या है? ये कांदा है, ये आलू है, पोटैटो, ऑनियन, प्याज है, ड्रमस्टिक, कैप्सिकम, स्वीट वगैरह भी हम लोग इधर रखता है, स्वीट। तो चीफ साहब, जो इतना फ्रिज में रखा हुआ है वो कितना देर तक चल जाएगा? हम लोग मेनली 1.5 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का सामान उठाता है।
डेढ़ महीना तक चल जाएगा। ऐसा ही फ्रोजन आइटम है, -80 डिग्री की टेम्परेचर रहता है, वो खराब नहीं होता। अच्छा, ऐसा ही नहीं। तो मतलब आपका मतलब एक महीना 45 दिन का? हाँ, 45 दिन तो चल जाएगा। 45 दिन के बाद फिर हमको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। कब लिए थे? एक महीना पहले? एक महीने पहले लिया था। तो अभी नेक्स्ट पोर्ट पे आने वाला? हाँ, नेक्स्ट पोर्ट हाजीगंज में आने वाला। प्रोविजन तो फिर से जितना खाली है पूरा फिल हो जाएगा? कोई मर्चेंडरी में एज ए चीफ कुक दिए थे आपको, बर्न करना चाहिए तो क्या प्रोसीजर है उसका? उसका प्रोसीजर मतलब 25 ईयर्स तक मतलब एज लिमिटेड है। सैलून रेटिंग कोर्स करना पड़ता है। जैसे जीपी रेटिंग करते हो हम लोग, सैलून रेटिंग करते हैं। रेटिंग करने के बाद सीडीसी जब आ जाएगा और शिपमेंट चढ़ जाने का। कितने महीने का कोर्स होता है सैलून रेटिंग? 6 महीने का। सेम टू सेम जीपी रेटिंग भी 6 महीना, सैलून रेटिंग भी 6 महीने। तो उसमें खाना वगैरह बनाना यही? हाँ, यही सब सिखाता है। पहले तो चीफ कुक में नहीं देगा शायद, और जीएस में पहले स्टूअर्ट में काम करना पड़ेगा 6 महीना 12 महीने काम करने के बाद। वो जो सीओसी बनता है ना, हम लोग चीफ कुक का जो सीओसी है वो बनने के बाद चीफ कुक में आ सकते हैं। जीएस में कितना मंथ तक काम करना पड़ेगा चीफ कुक का प्रमोशन लेने के लिए? ऐसे सीओसी मतलब 6 महीने के बाद एक्सपीरियंस से मिल जाएगा। अच्छा, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो सीओसी एमएनडी से मिलता है, अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमारा 3-4 प्रोविजन स्टोर था, उसमें से एक ड्राई था। ड्राई में जिसमें ड्राई आइटम्स रहते थे जैसा शुगर वगैरह हुआ, दाल वगैरह सब रखा हुआ था। और दूसरा फिश रूम था, उसके बाद मीट रूम था, वेजिटेबल रूम था, तीनों रखे हुए थे। फिलहाल अभी थोड़े खाली थे क्योंकि एक महीना हो गया था हमें, एक महीना लास्ट महीने में हम लोग ने प्रोविजन लिया था। उसके बाद में अभी नेक्स्ट पोर्ट पे 2-4 दिन में लेने वाले प्रोविजन। तो गाइस अभी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपने देखा रहेगा जहाज पे खाना कैसा आता है, कैसे बनता है, और ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन करने का भी प्रोसीजर बता दिया है कि 6 महीने का जैसा जीपी रेटिंग कोर्स होता है वैसा सैलून रेटिंग कोर्स होता है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप जाके कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा इंस्टीट्यूट होता है। तो गाइस अभी वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए गुड बाय।